रीवा के मॉडल साइंस कॉलेज के छात्रों ने अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय पहुंचकर कुलपति को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में छात्रों ने हाल ही में बढ़ी परीक्षा फीस को समस्या बताया है। छात्रों का कहना है कि अचानक फीस में वृद्धि होने से छात्रों को परेशानी होगी। सत्र के बीच में फीस वृद्धि से उन विद्यार्थियों को समस्या का सामना करना पड़ेगा जो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, इसलिए ज्ञापन सौंपकर बढ़ी हुई फीस को फिर से कम कराने की मांग की गई है। इस पर कुलपति का कहना है कि लंबे समय से परीक्षा फीस में वृद्धि नहीं हुई थी जिससे आर्थिक परेशानियां हो रही थी, जिसको देखते हुए परीक्षा फीस में वृद्धि की गई, लेकिन अब छात्रों की मांग पर फिर से बैठक कर सभी बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भी मांगते। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भी मांगते। जो परीक्षा हुई है उसमें 150 पेपर खुले। अब खाली विद्यार्थी एक बैठा है, पेपर तो बनवाना पड़ेगा आपको, और टीचर्स को भुगतान होते हैं जो पेपर सेटअप होते हैं, प्रिंटिंग होते हैं, चाहे आप एक प्रिंट ना पड़े। हम लोग परीक्षा फीस है ये तो सर, परीक्षा जुलाई में थोड़ी बढ़ाएंगे। एक बार जैसे हम लोग एडमिशन लेते हैं उसी टाइम में बता दिया जाए परीक्षा फीस, आदमी सोचता है परीक्षा फीस तुमको देनी है, हर आदमी जानता है बिना परीक्षा फीस परीक्षा नहीं दे पाए। मैं देवव्रत त्रिपाठी, आदर्श विज्ञान महाविद्यालय का छात्र हूँ। आज हम लोगों ने विश्वविद्यालय द्वारा तानाशाही तरीके से जो परीक्षा वृद्धि कर दी गई थी, जैसा कि आपको सबको पता है कि जुलाई माह से हमारे सत्र चालू होते हैं और जून माह तक चलते हैं, इसके बीच में बिना किसी अधिसूचना के अचानक फीस वृद्धि कर देना छात्रों के बजट से बाहर है, और हर छात्र को पूंजीपति समझना यह विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी भूल है। इस सब विसंगतियों को दूर करने के लिए आज हम सभी छात्र कुलपति महोदय के पास एकत्रित हुए और ज्ञापन के माध्यम से उनको सूचना दी है कि हमारी जो पूर्व में फीसें थी जिनको दुगना कर दिया गया परीक्षा फीसें, उनको फिर से उतनी ही फीस रखी जाए और छात्रों के प्रति छात्र हित की व्यवस्था दिखाई जाए। और क्या समस्या आ रही थी, आए दिन इस तरह आप लोग ज्ञापन देते, क्या हमेशा इसी तरह ज्ञापन का ही दौर चलता रहेगा विश्वविद्यालय में लगातार? जब तक विसंगतियाँ होंगी तो हम अपने अधिकार के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। इससे अच्छा है कि एक अच्छी व्यवस्था बनाई जाए, विश्वविद्यालय को सुधारा जाए, मजबूत किया जाए, उसकी प्रणाली को ओपन किया जाए, ई प्रणाली बनाई जाए जिससे हर छात्र पारदर्शिता के साथ यहाँ पढ़ाई कर सके, और किसी भी व्यवस्था को बनाने से पहले कमेटी के अंदर ढांढ कर उसमें छात्रों को भी शामिल किया जाए, क्या छात्र उस व्यवस्था से शामिल हैं, सहमत हैं कि नहीं है, इसकी भी राय ली जाए, इस प्रकार से व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके। क्या मांगे थी, क्या कहना था? छात्रों की परीक्षा फीस में विश्वविद्यालय द्वारा वृद्धि की गई है, क्योंकि आगामी परीक्षाओं में जो नई NEP के अंतर्गत हमने सिस्टम को डेवलप किया है उस सब में व्यवहार बढ़ा है। चूँकि विश्वविद्यालय द्वारा 2016 से अभी तक कभी परीक्षा शुल्क नहीं बढ़ा था, उसके कारण बहुत अधिक आर्थिक कठिनाइयां विश्वविद्यालय के सामने थी, तो कुछ थोड़ा सा शुल्क बढ़ाया गया था। छात्रों का ऐसा कहना है कि इस शुल्क को ना बढ़ाया जाए, तो छात्रों के द्वारा तो अपनी बात रखना स्वाभाविक है। विश्वविद्यालय उस पर और गंभीरता से एक बार बैठकर और सारे बिंदुओं पर विचार करेगा, ऐसा आश्वासन छात्रों को दिया है।